गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको क्लास 9 का अष्टम पाठ पढ़ाएंगे, लोह तुला। लोह तुला मीन्स क्या होता है? सबसे पहली बात तो है, लोह तुला मीन्स होता है लोहे का तराजू। समझ में आ गया? जो नापने वाला होता है ना, जो तौलने वाला, उसको कहते हैं हम लोह तुला, मतलब लोहे का तराजू। ठीक है, अब हम इसके आगे आपको सुनाते हैं। यह हम आपको थोड़ा सा छोटे रूप में थोड़ा सा बता दें पहले कि इस कहानी में आखिर है क्या। तो ठीक है, तो हम बच्चों आपको बताएं, यह पाठ विष्णु शर्मा के द्वारा रचित, मतलब लिखा गया, पंचतंत्र से ही लिखा गया है, या मित्र भेद नामक तंत्र से अवतरित संपादित किया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें एक जीर्ण धन नाम का एक लड़का, मतलब एक बड़ी व्यापारी होता है, जो विदेश, मतलब विदेश में व्यापार करने के लिए जाता है। संरचित न्यास रूपेण विद्धता तुला भूमिका के आचते, मतलब वो अपनी, उसके पास एक तराजू होता है तोलने वाला, तो वो एक सुरक्षा के तौर पर एक सेठ के घर में रख कर जाता है कि जब भी वो आएगा तो इस तराजू को ले लेगा। पद से धनिक वर्ती तद यादित तुला का, मतलब रख के चला जाता है, और जब वापस आता है तो वह सेठ से अपना तराजू मांगता है। जो सेठ उससे बोलता है कि उसके तराजू को किसने खा लिया है, मूसक मीन्स चूहे ने, उसके तराजू को किसने खा लिया है, चूहे ने। फिर उसके बाद वो क्या कहता है, वो अब धनी बुद्ध स्नानाने, मतलब जो व्यापारी होता है वो नहाने के लिए नदी में जाता है, और उसके बेटे को भी साथ में लेते हुए जाता है। तो उसका जो बेटा होता है वो उसके बेटे को नदी के पास गुफा में, मतलब पर्वत की गुफा में छुपा कर, और उसके ऊपर पर्वत का एक बड़ा, मतलब पर्वत का ढक्कन लगाकर उसको बंद कर आ जाता है। और फिर उसके बाद जब उसके साथ अपना पुत्र ना देखकर सेठ उससे पूछता है कि तुम मेरे पुत्र को अपने साथ ले गए थे कहाँ पर है, तो वो ये कहता है कि तुम्हारा पुत्र को बाज उठा कर ले गया, मतलब सैन्य में होता है बाज पक्षी होता है गिद्ध, तो वो उठा कर ले गया। तो वो कहता है तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े बालक को गिद्ध उठा ही नहीं सकता, इतना वजन कैसे उठा सकता है बालक को गिद्ध कैसे उठा सकता है, तो तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो कहता है कि, और दोनों में विवाद चलने लगता है, और वो दोनों न्यायकरण, और लड़ते वो दोनों कहाँ पहुँच जाते हैं, न्यायालय पर, मतलब न्यायाधीश के पास, राजा के पास पहुँच जाते हैं। तो ठीक है, अब हम इसके, आप समझ में आ गया कि इस कहानी में क्या है, तो हम अब आगे की कहानी सुनते हैं। ठीक है बच्चों, तो सुनिए। आसीत किंचम किंचम चद अधिष्ठाने जील धनो नाम वणि पुत्र, मतलब किसी एक जगह पर जील धन नाम का एक व्यापारी रहता था। सचा विभवच्यात देशांतम गतु मंचन व्यचिंतन, मतलब वह और पैसा के लिए दूसरे देश जाता है कमाने के लिए, और उसका सोचना क्या रहता है। तत्र देशर्थवा स्नाने भीगा मुक्ता सव्यर्थ तस्मिन् विभव हीनो यो वस्ते चा पुरुषाधमा। ठीक है बच्चों, तो मतलब वो ये कहता है, जिस देश में आपने पराक्रम और ऐश्वर्य भोगा हो, जिस देश में एक व्यक्ति जहाँ कमाता है, जैसे मान लो हम भोपाल में रहते हैं और हम भोपाल में कमाते हैं पैसा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या मिलता है, यश मिलता है, वैभव मिलता है, पैसा मिलता है। और मान लो कभी ऐसा हो जाए कि हमारा व्यापार ना चले, ठीक है बच्चों, हमारा व्यापार ठप हो जाए, हम व्यापार ना कर पाए, किसी भी कारण कुछ भी हो सकता है, तो यदि हम पैसा ना कमा पाए या व्यापार हमारा ठप हो जाए, चलते चलते बंद हो जाए, तो उसका ये मानना है कि अगर ऐसा हो जाता है तो हमें उस जगह पर नहीं रहना चाहिए, उस जगह को छोड़ देना चाहिए। अगर जो कोई ऐसा करता है वो मूर्ख होता है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है कि जिस जगह पर हमने ऐश्वर्य और पराक्रम होगा हो, और वहाँ पर वैभवहीन हो जाए, मतलब पैसों की कमी हो जाए, तो वहाँ पर हमें नहीं रहना चाहिए, उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए, उस स्थान को उस स्थान पर हम धनहीन हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, उस स्थान का छोड़ देना चाहिए। और जो कोई ऐसा नहीं करते वह पुरुषार्थ
धम मतलब वह मूर्ख है, पुरुष पुरुष मतलब पुरुष कहलाने लायक नहीं। तस्य नाम रहे लोहा घटता है पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला अस्ति। उसके घर पे मतलब एक व्यापारी व्यापारी के घर पे क्या था, एक लोहे का तराजू था। पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला अस्ति मतलब पूर्वजों का था, बहुत पुराना था, उनके पूर्वों का भी वो तराजू था। ताना कस्यचिद् श्रेष्ठानुग्रहे निक्षेप भूतान् कृत्वाय देशान्तर प्रस्थिता। फिर क्या होता है कि वह ता कस्यचिद् श्रेष्ठानुग्रहे निक्षेप भूतान् कृत्वाय देशान्तर प्रस्थिता। वह सेठ के घर जाता है और उससे बोलता है कि वह प्रदेश जा रहा है और तुम उसके तराजू को रख लो। तत् सुचिर काल देशान तो वो देश के उसके यहाँ मतलब सेठ का जाकर वो तराजू रख देता है और चला जाता है। तत् सुचिर बहुत समय के बाद, बहुत समय के बाद सुचिर माने सब बहुत काल माने समय देशांतर माने देश से यथेच्छ अपनी इच्छा अनुसार भ्रांतत्वा पुनः स्वपुरम का गत्य अब पुनः वापस अपने देश को आ जाता है। तश्रेष्ठतम अवद अवदत और वह शेख से बोलता है वो श्रेष्ठम दीनता से ना न छेद तुला मतलब जो मैंने आपको तराजू दी थी वो जो तुला दी थी आपको वो मुझे क्या करो वापस दे दो मतलब मुझे वापस दे दो दे दो। सोए पदम वो नास्ती चा तव दिया तुला मुश्के भजता इति। तो वह बोलता है कि तुम्हारी तराजू को चूहों ने खा लिया है, तुम्हारे तराजू को क्या करा है चूहों ने खा लिया है। जीर्णधनम अवदता वो श्रेष्ठ मतलब जीर्णधन जो होता है वो बोलता है वो श्रेष्ठ हो सकता है मतलब जो वो व्यापारी होता है वो बोलता है हो सकता है भाई खा लिया नास्ती दोषते यदि मुश्का भज्जति अगर चूहे ने खा लिया है तो उसको तुम्हारा क्या दोष। तो इस दृश्य एवं अयम संसार है, यह संसार ऐसा ही है ना पिंच दशे स्वास्थ्य मास्ती इस देश में सभी चीज़ें वस्तुएं क्या है नाशवान है। एक दिन तो सबको मरना है, जो कोई जो दुनिया में जो भी वस्तुएं आई है एक दिन सबको नष्ट होना है, एक दिन सबको खत्म होना है। परम नदा स्नान गमिष्यामि वो कहता है मैं नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तद त्वम आत्मीय ये शुशु धनदेव नामन मया सह स्नान स्नान परं हस्त पेक्षिति वो कहता है तुम्हारा बेटा धनदेव जो है उसको हमारे साथ मेरे साथ स्नान करने के लिए समान के साथ भेज दो। सा श्रेष्ठी वह बोलता है वह से ऐसा पुत्र अपने पुत्र से बोलता है अवदत्त मैंने बोलता है वत्स बेटा पित्रो अहम तब मतलब चाचा के साथ स्नान तस्य यदि तत् अनेकं शाखा गच्छति मतलब पिता के साथ सामान लेकर मतलब जो जो सामान लगता है नहाने धोने का वो लेकर उनके साथ चल जाओ। अथाशो श्रेष्ठ पुत्र धनदेव स्नानोकरणं मदान पृष्ठ मनातेन अवगतेन सह पृष्ठ मतलब खुश होकर और सामान लेकर उसके साथ चल जाता है। तथा निश्चयते च वणिक स्नान स्नात्वाय त्वं शिशु गरीब गुहान प्रक्षिप्त तद द्वारा बृहदाशिया अच्छला सत्वरम गृह मांगता। फिर वो क्या करता है कि वो उस बच्चे को स्नान करने के बाद वो उस बच्चे को एक पर्वत की गुफा पर छुपा देता है और तन द्वार और उसके द्वार पर क्या कहते हैं बड़ी सिया से एक बड़े पत्थर से उसका द्वार बंद कर देता है और वापस आ जाता है। सा श्रेष्ठी पृष्ठवान हो वह से पूछता है अवगत अरे अतिथि कथिता पुत्र से मैं शिशु या त्वा सह नदी गत आयति मतलब वह पूछता है कि पुत्र मेरा पुत्र तुम्हारे साथ नदी में गया था कहाँ है। सा अवगत त्वा पुत्रम नदी शयनम हतेति तो वह बोलता है कि तुम्हारा जो पुत्र है वो नदी में उसको नदी स्नान मतलब नदी के लिए हम लोग गए थे तो वो नदी से तुम्हारे पुत्र को बांझ पकड़ कर अपहरण करके ले गया। हता मीन्स अपहरण अपहरण करके ले गए। श्रेष्ठ अवगत सेठ बोला मिथ्या वादिनम मतलब तुम झूठ बोलते हो कि क्वचित सैनो बाला
हेतु शक्नोति, मतलब वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बाज अपने बालक को कैसे उड़ा कर ले सकता है, यह असंभव है, ये गलत है। तत् समय में शुक्त मन्याना राजकुमार, तुम मेरे पुत्र को सही बताओ, मेरे पुत्र के बारे में बताओ, नहीं तो मैं तुम्हार राजभवन में जाकर तुम्हारे लिए दरखास्त करूँगा, मतलब निवेदन यासी, मतलब वहाँ पर जाकर न्याय मांगूंगा, मैं कोर्ट चला जाऊँगा, न्यायालय चला जाऊँगा, राजा के पास चला जाऊँगा, इसलिए तू मुझे सही सही बताओ। सत्यवादी वो कहता है, तुम सही कहते हो हे सत्यवादी, हे सत्य बोलने वाले, यथा सेनो बालं नान्यन्ति, जिस प्रकार एक बांज बच्ची बच्चे को नहीं ले जा सकता, तो क्या तथा मूसका अपि लोहा घटे तुला न बच्चते, उसी प्रकार एक चूहा एक लोहे के तराजू को नहीं खा सकता। तदर्पयणम में तुलाम अति दालकेण प्रयोजनम इति, मतलब वह कहता है यह तुला और दालकेण प्रयोजन, मतलब ये कैसे संभव है, अगर वो संभव नहीं है तो ये भी संभव नहीं है, ठीक है। एवं विवाद दोनों में क्या होता है, झगड़ा होने लगता है, विवाद होने लगता है, विविधा मानूंगा तो हम राजकुमार करना, और दोनों लड़ते लड़ते कहाँ चले जाते हैं, राज दरबार में राजकुमार। तब श्रेष्ठ तार स्वर्ण अवदति, वह सेठ ऊंचे स्वर में बोलता है, वो वाच्यतोऽहं का मतलब क्या होगा, वो घोर अन्याय मतलब वो चिल्लाता है कि घोर अन्याय। अब्राह्मणम अनेन चोरम मम शिशु अवता, मतलब इस बार इस ब्राह्मण ने इस व्यापारी ने अब्राह्मण इस ब्राह्मण ने मेरे पुत्र का अपहरण कर लिया है, मेरे पुत्र को चुरा लिया है। अथम धर्माधिकरणी तुम अवदनम, मतलब वो धर्म न्यायाधीश थे वो बोले, भोजन प्यता सृष्टि तुम, मतलब वो अरे मतलब वो उससे पूछता है व्यापारी से कि शेष का पुत्र कहाँ है, सो वदम किम करोमी, तो वो कहता है व्यापारी कहता है सो वदम मैं क्या करूँ, वो बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, पश्यते मेरी देखते देखते मैं तटी नदी तटाद सैनम शिशु अपहरण करता, मतलब मैं देखी देखते थे आंखों के सामने देखते ही देखते नदी के तट पर नदी पर स्नान कर रहा था, और एक बाज आया, सैनैन नानी होता है बाज बच्ची, वह शिशु का अपहरण करके बच्चे का अपहरण करके ले गया। इति तच्छुआ ते अवदन हो, अब बताओ मतलब तच्छुआ ते अवदन, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये उसने बड़े राजा बोले ये हो कैसे सकता है, ये कैसे हो सकता है, भवता सत्य नबी हितम, तुम सत्य नहीं बोल रहे हो कि सैन शिशु हते समर्थो भवती, मतलब वह बाज शिशु को नहीं ले जा सकता, समर्थ नहीं है ले जाने में, उनकी उसमें ताकत ही नहीं है कितने से बच्चे को ले जाए, तो अवदम वो हो, मतलब वह बोलता है अरे अरे श्रुत्वा मत वचन, मतलब मेरे भी तो वचन सुनो गुरु को, अरे अरे मेरे भी तो मेरे बारे में मेरी बात भी तो सुनो, तुला सो चल सो लोहे सहस्त्र चल तत् खादंत मुस्का, राजतंत्र हरे छो बालका नाम नात्र संस्या, तो वो कहता है जिस प्रकार लोहे की तुला, मतलब जिस प्रकार लोहा मतलब लो जो तराजू है तुला, मतलब लोहे की तुला को मूसक खा सकता है, चूहा खा सकता है, तो क्या तो जैसे तो संभव है, यदि मूसक मतलब लोहे की तराजू को यदि चूहा खाने में समर्थ है या संचय खा सकता है, तो फिर बालक को नहीं ले जा सकता, सही हम राजतंत्र यदि तो बाज का बच्ची उस बालक को क्यों नहीं ले जा सकता, इसमें क्या संशय है। ते अप्रश्न कथ्यमते, मतलब आप पूछता है कैसे, तद यह सृष्टि सभा नाग में अदति, मतलब सभा सभा के सभी लोग हंसने लगे जो बैठे थे, सर्वतांत नवेद और सबने उनसे नवेदन किया, समझाया बुझाया, तत् न्यायाधिकरण द्वापे संबोध्य तुला शिशु प्रदान पोषते,
और न्यायालय खन्ना ने उनको समझा बुझा कर उनको दुल्हा वापस कर दी और उनका पुत्र वापस कर दिया। समझ गए बच्चों, ये हमारा था चैप्टर लोभ दुल्हा और अष्टम पाठ। समझ में आ गया? अब इसके आपके वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, वो आपको याद करना है। एक पदे उत्तर दीजिए, वणिक के पुत्र की नाम अस्ति, वणिक के पुत्र का क्या नाम था? जीर्णधनः। तुला के भक्षिता अस्ति, तुला के भक्षिता अस्ति, मतलब तराजू को किसने खाया था? मूषिका ने। तुला किदस्य अस्ति, तुला तो मतलब तुला जो था के मतलब कहाँ से आया, तो लोहे घटता मतलब तोलने वाला। पुत्र केन हता इति जीर्णधनः मदति, पुत्र को कौन हरण करके ले गया? सहने विविध मानों द्वापरी पुत्र का, तो मतलब विविध मान लिया जो दोनों का विवाद कहाँ गया? राजकुल में। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद ये आपके आधुनिक के प्रश्न प्रश्ननामा प्राणी संस्कृत भाषा है इनका। देशांतर क्रतु मिच्छन वणिक्य पुत्र किम वह चिंतयते, मतलब ये इसका आंसर है, यस्मिन् देश स्थाने वो सर्वविदे भोगाय मुक्तं तन्त्र विभवहीनो यदि वसति सा पुरुषधनं एवं वैचयन्त। ठीक है, अब ये तो बढ़